हे hey दोस्तों, इस वीडियो के ज्यादातर गैंगस्टर या तो गोवा पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है बूम बूम गैंग के सरगना इमरान व्यापारी का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इमरान व्यापारी और जेनिटो कार्दोजो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इसी वजह से जेनिटो ने जून 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर इमरान व्यापारी के घर पर हमला कर दिया था। इस हमले में इमरान व्यापारी तो बच गया था, पर जेनिटो गैंग का एक सदस्य मारा गया था। फरवरी 2021 में इमरान व्यापारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुख्यात गैंगस्टर टाइगर अनवर पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद गोवा पुलिस ने इमरान व्यापारी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। हालांकि कुछ महीने जेल में रहने के बाद ये जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर सूरज सेट्टी का। इस पर मारपीट, अपहरण और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने अक्टूबर 2021 में अपने तीन साथियों के साथ मिलकर कलंगुट में एक नाइट क्लब के गार्ड पर तलवार तथा लोहे के रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था। कलंगुट पुलिस ने मौके पर ही सूरज सेट्टी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सूरज सेट्टी तथा उसके दो साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि सूरज सेट्टी गोवा छोड़कर महाराष्ट्र भाग रहा है। इसके तुरंत बाद पुलिस ने सूरज सेट्टी को गिरफ्तार कर लिया था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है कृष्णा कुट्टीकर का। इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। जुलाई 2019 में दो गुटों के बीच हुई गैंगवार में कृष्णा कुट्टीकर मारा गया था। हमले वाले दिन कृष्णा कुट्टीकर अपने दो साथियों के साथ एक गैरेज पर आया हुआ था। उसी समय मोटरसाइकिल पर आए 8 बदमाशों ने कृष्णा और उसके साथियों पर हमला कर दिया। इस हमले में कृष्णा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक हाथ भी कट गया था। इसी वजह से ज्यादा खून बह जाने के कारण कृष्णा कुट्टीकर मारा गया था। इसके बाद पुलिस ने हमले में शामिल 8 में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है गोवा के कुख्यात गैंगस्टर टाइगर अनवर शेख का। इस पर गोवा के अलग अलग थानों में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से ज्यादातर मामले रंगदारी के थे। यह पिछले कुछ वर्षों से लगातार दक्षिणी गोवा में वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। अगस्त 2021 में आपसी रंजिश की वजह से 4 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर टाइगर अनवर शेख की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में भी इस पर जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में बदमाशों ने इसे गोली मारने के बाद लोहे के रॉड से पीटा था। गंभीर रूप से घायल होने बाद भी टाइगर अनवर उस हमले में जिंदा बच गया था। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अगस्टिनो कारवालो का। इस पर हाईवे डकैती, मारपीट और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि यह नकली पुलिस ऑफिसर बनकर हाईवे पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता था। मार्च 2018 में इसने हाईवे पर लियाकत खान नाम के आदमी के 45,000 लूटकर फरार हो गया था। जब लियाकत खान ने इसकी रिपोर्ट पुलिस को दी, उसके बाद पुलिस अगस्टिनो की तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि यह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर अगस्टिनो कारवालो को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर माइकल फर्नांडिस का। इस पर हत्या, डकैती और अपहरण के 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 55 वर्षीय सुरक्षा गार्ड की हत्या का मामला भी शामिल है। गोवा पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, पर फरवरी 2011 में जब इसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय यह पुलिस वैन से कूदकर फरार हो गया था। फरार होने के बाद इसने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। फरवरी 2012 में इसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक परिवार के लोगों को बंधक बनाकर 3 लाख रुपए और गहनों की डकैती की थी। इस वारदात के बाद पुलिस इसकी तलाश में जुट गई और 29 जनवरी 2012 को एक गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है गोवा के कुख्यात गैंगस्टर विनायक कारबोटकर का। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूटपाट के 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। यह एक अन्य गैंगस्टर अस्पाक बेंगरे की हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहा था। 24 जनवरी 2017 की रात जेल के अंदर दो गुटों में गैंगवार हो गई। इस गैंगवार में विनायक कारबोटकर मारा गया था और पुलिस के कुछ जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि विनायक कारबोटकर जेल के अंदर छोटी छोटी बातों पर अन्य कैदियों को पीटा करता था। इसी वजह से जेल के अंदर उसके बहुत से दुश्मन बन गए थे। इसके बाद इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अस्पाक बेंगरे का। इसने वर्ष 1996 में सिर्फ 21 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इस पर हत्या और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। अस्पाक बेंगरे और विनायक कारबोटकर एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इसी वजह से जुलाई 2016 में जब एक केस के सिलसिले में अस्पाक बेंगरे को जेल से बाहर लाया जा रहा था, उसी समय विनायक कारबोटकर ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इस हमले के तुरंत बाद अस्पाक बेंगरे को जीएमसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है बाला सावंत का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जहां एक ओर लोग इसके नाम से कांपते थे, वहीं दूसरी ओर लोग इसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की वजह से इसकी इज्जत करते थे। अप्रैल 2017 की एक रात ही अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका नियंत्रण बाइक से छूट गया और इसकी बाइक सामने से आ रही एक अन्य बाइक से टकरा गई। इस दुर्घटना में सामने वाले बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाला सावंत को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में इसकी मौत हुई थी। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है गोवा के टॉप गैंगस्टर जेनिटो कार्दोजो का। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2013 में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर यह जेल से बाहर आ गया। आपको बता दें कि जेनिटो गैंग और इमरान व्यापारी गैंग के बीच गैंगवार होते रहते हैं। जून 2020 में जेनिटो ने अपने साथियों के साथ मिलकर इमरान व्यापारी के घर पर फायरिंग की थी। इस शूटआउट में जेनिटो गैंग का एक बदमाश मारा गया था। इस शूटआउट के बाद गोवा पुलिस जेनिटो की तलाश में जुट गई। इसी बीच अगस्त 2020 में जेनिटो ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।